वेरी इमोशनल एज ऑलवेज. पापा जब भी आते हैं इतनी खुशी अपने साथ लाते हैं. और ये नुरवी की पहली गणेश चतुर्थी थी. आई वॉज सो हैप्पी दैट शी फॉलो द ट्रेडिशन सो ब्यूटिफुली. और अभी इनफैक्ट बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट हुआ ऊपर जब पापा को लेके जा रहे थे तो नुरवी खुद चिल्लाने लगी, यू नो, पापा पापा. सो समवेयर आई फील दैट ही ब्रिंग्स सो मच लव विथ हिम दैट The 10th day, of course, is very emotional for us. Okay, इसी के तब movie भी release होने वाली बहुत ही करीब आ चुकी है. तो क्या मांगा आज पापा से? नवन की debut film भी है ये as a direction. भाई बस इतना ही कह सकता हूँ कि बिना मांगे वो बहुत कुछ देते हैं. इस पड़ाव तक हमें यहाँ तक लाए हैं, हमें इस लायक समझा पापा ने कि हम मेहनत कर पाए. बहुत मेहनत की है नमन ने, बेहतरीन फिल्म बनाई है. मैंने हाल ही में फिल्म देखी और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ. क्योंकि आज की युवा पीढ़ी आई थिंक टेक्निकली दे आर वेरी वेरी सैवी एंड आई थिंक एज अ ब्रदर आई एम वेरी वेरी प्राउड दैट नमन मेड सच अ स्पेक्टैक्युलर थ्रिलर. और थ्रिलर के सही मायने में जब आप ट्रेलर देखेंगे आप ये गारंटी बोल सकते हैं कि एक 27 साल के लड़के ने इतनी एक सॉलिड फिल्म बनाई है. तो आई एम वेरी प्राउड. आई जस्ट होप के आपके आशीर्वाद, आप यू नो ऑल द फैंस आर देयर, दे ब्लेस दिस फैमिली. 3 जनरेशंस, मुकेश जी, नितिन मुकेश जी, नाउ then me and now Naman, we've all been working very hard for your entertainment, for all the fans, and we can only pray that today how the family is supporting us by wearing Bypass Road t-shirts and all of this, the entire audience out there supports us and loves us for this. Yeah. Okay, Naman sir, aap kya kehna chahenge? I think pichle saal isi samay humne apna muhurat shot liya tha. Again with his blessings we've come a whole year round. And with his blessings again, हम अपने final पड़ाव पे पहुँच गए हैं. तो I think again with his blessings we are hoping for the best, praying for the best, and with his support it'll all go really well. बहुत जल्द, बहुत बहुत जल्द आप लोगों के सामने टीज़र आएगा, इनफैक्ट ट्रेलर आएगा. एंड आई होप दैट जितना मैं एक्साइटेड हूँ ट्रेलर को लेके, देखने के बाद आप सभी एक्साइटेड उतना ही हैं. कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और थ्रिलर डायरेक्ट करना आसान नहीं है. बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं और जो कि बहुत एक्सपीरियंस के साथ आते हैं. तो ये जॉनर खुद में ही एक बहुत मुश्किल जॉनर है और उसे डायरेक्ट करना इस कम उम्र में उतना, यानी फिर नॉलेज होना चाहिए. तो मैं थोड़ा पहले तो डरा हुआ था एक बड़े भाई के तौर पर कि कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट क्या किया है बस इतना ही कह सकता हूँ. और ट्रेलर देख के आप सभी को ज़रूर, आप सभी कहेंगे कि ये फिल्म तो देखनी है मुझे पहले दिन. यस, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू सम पीपल ऑल्सो एट चौपाटी दैट आई लव टू डू यू नो सम काइंड ऑफ सोशल वर्क फॉर देम दिस ईयर. एंड इफ एट ऑल आई लव like to be a part of it till it's completed. Okay, aap chahenge ki agle saal jo abhi jo bhi aane wale saal mein ho ke eco friendly zyada use ho? I think they should be. It's hamari duty hai you know towards our environment. This is mother earth and mother earth is family. I mean this is home to us. It's our duty to make sure that you know we move towards securing everyone's future. And being a father of a girl, of a tiny girl who's growing up, for her I'd love to her to go to the beaches, be happy. So yes, of course I'd love to do that. And how comfortable are you when this little baby paparazzi covers you? Look at her, she's chilled out. She loves it. She is very, very much. I mean,
आप सभी इतना प्यार दे रहे हैं, यू नो बहुत खुशी की बात है कि फोर्थ जनरेशन मुकेश फैमिली एंड शी इज़ ऑलरेडी वेरी कंफर्टेबल विद द माइक, शी इज़ गॉन ऑन हर ग्रैंडफादर एंड फादर, या बट दैट्स हर माइक. नुरवी बोल दे बापा, से बापा. ग्रेट, गणपति बापा मोरिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ये आप दे दो ना, इसे लगा रहने दो, रुक तो जाओ. नहीं नहीं, ये निकाल देते, एक सेकंड. ऑल ऑफ वी आर टेकिंग वन बिग पिक्चर हियर. रिमूव द ऑल वन, रिमूव द ऑल वन, रिमूव द ऑल वन. Come guys, come back. All the tall ones back, all the short ones in front. I'm short. Come, come, come. Let's take a picture. Let's take a picture. Come, roll. Give me 1 minute now. Let us take few bypass road t-shirts and all. Sir, sir, idhar. Awesome, thanks. Best dad. That's right. All dad. All dad. All dad. Pichhe lo. Kya? Re mi. Because she knows that you like the same thing. She like it. She thinks it's papa. पीछे बहुत दाल खा रहे हैं. यहाँ पे थैंक यू सर. यहाँ पे थैंक यू. Thank you, sir.
सर थोड़ा बहुत से बांटने के लिए रहता है आज